प्रहलाद व हिरण्यकश्यप पुत्र व पिता थे। एक में अच्छे संस्कार व एक में अत्याचारी आततायियों जैसे संस्कार हैं। प्रहलाद में ऐसे सुंदर संस्कार कहाँ से उत्पन्न हो गए, वो कैसे आ गए? जो परमात्मा है उसको तत्व से बताने वाले, परमात्मा के स्वरूप की जागृति कराने वाले, जिनके सत्संग से परमात्मा में आस्था प्राप्त हो जाती है, वह स्नेह पैदा हो जाता है, जिज्ञासा पैदा हो जाती है, वो देखने वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो जिनके अंदर ऐसी चीज़ हो जाती है पैदा कि परमात्मा के प्रति जिज्ञासा है, भक्त के संस्कार है, सत्संग से उनमें ऐसी आस्था प्राप्त हो जाती है कि वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं कि जहां से वो सब कुछ जैसा परमात्मा देखता है वैसा देखने लगते हैं। तो पिता कहता है कि ईश्वर है नहीं और बालक कहता है कि ईश्वर है, तो एक को ईश्वरत्व का दर्शन नहीं होता, एक को ईश्वर हर जगह दिखाई देता है। पिता, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर ईश्वर न हो, बालक कहता है। यह सुनकर पिता को बड़ा खेद होता है कि यह वंश परंपरा के विरुद्ध, वंश परंपरा को बिगाड़ने वाला बालक यह कहां से आ गया। प्रहलाद क्या देखता है कि ईश्वर से रहित कोई जगह है ही नहीं, कोई स्थान नहीं, तो ऐसा संस्कार आया प्रहलाद में कहां से। तो इसकी एक घटना आती है। हिरण्यकश्यप पत्नी सहित किसी राजा के साथ युद्ध कर रहा था। पत्नी की प्रसव अवस्था थी। राजा अपनी पत्नी को निर्जन स्थान में ले गया जहां पूर्व में कभी एक संत रहते थे। तो ऐसे स्थान में पहुंच गया कि जहां पर कभी संत रहा करते थे, वहां पर भक्ति के संस्कार थे, कण कण में वहां पर भक्ति विद्यमान थी। उस गुफा में हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी को बैठा दिया। कहां बैठा दिया? जहां भक्ति के संस्कार थे। कहा कि तुम यहीं रहो, हो सकता है कि इस युद्ध में कुछ हानि हो जाए। अतः वहां रहने लगी, उसकी पत्नी वहां रहने लगी। अचानक देवर्षि नारद स्वभाव से विचरण करते हुए वहां आ पहुंचे। नारद किसे कहते हैं? कि जिसके वाक्यों से मनुष्य का अज्ञानमय आवरण खंड खंड हो जाए, उसे नारद कहते हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जाना कि यह तो एक बड़े उच्च कोटि की संत की तपोभूमि है। पहली चीज तो नारद ने यह जान लिया कि यह कैसी तपोभूमि है, किस दृष्टि से जाना, कौन सी शक्ति से जाना। तो पूर्व की चीजों को उन्होंने देख लिया कि यह कैसी भूमि है। पर यहां एक देवी ने प्रसव अवस्था में बैठी है, यह वर्तमान में देख लिया। तो वो त्रकालज्ञ थे, तीनों कालों में उनका विचरण था, उनको उनको दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने उसके पति को जान लिया कि यह कैसा है, तो उन्होंने उस जगह को जान लिया, उस पत्नी को जान लिया, उसके पति के बारे में भी जान लिया कि कैसा व्यक्ति है। और यहीं तक नहीं, उन्होंने गर्भ में स्थित बालक को भी देख लिया और उसका भी भविष्य जान लिया, ये क्या है। तो ये किस शक्ति से किया कि उनके पास ऐसी शक्ति थी नारद के पास कि जिससे कि अगला, पिछला, वर्तमान सब कुछ उन्होंने जान लिया। तो ये जान लिया कि ये तो सभी दैत्य हैं और इनके यहां एक विलक्षण ईश्वर भक्त बालक का जन्म होने वाला है। उस देवी के पास वो खड़े हो गए, वह ऐसा उपदेश करने लगे कि जिससे कि देवी के अंदर सात्विकता और भक्ति के भाव आ जाए। प्रहलाद गर्भ में ही रहते रहते हुए गुरु नारद के वचनों का श्रवण करने लगे। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था, ठीक इसी प्रकार से भक्त का ज्ञान इन्होंने नारद से प्राप्त कर लिया। अतः नारद के उपदेश में प्रहलाद में भी ईश्वर भक्त के बीच पड़ गए। अतः परमात्मा को देखने का जो स्थान था, मार्ग था, उसको देवर्षि नारद ने खोल दिया। तो किस में खोला? उस बालक में खोल दिया जो गर्भ में था, अभी जन्म भी नहीं लिया था उसने। उस स्थान को उन्होंने दिखा दिया, उस भक्ति के मार्ग को उन्होंने खोल दिया। जब वह बड़ा हुआ तो पिता से कहा कि आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, पर मुझको ऐसा भासित होता कि वह सर्वत्र विद्यमान है, हर जगह ईश्वर है, सब जगह ईश्वर से ही ओतप्रोत है, वह सबके भीतर व बाहर भी है,
यह सुनकर उसका पिता बड़ा आश्चर्यचकित होता है। उसका पिता पुत्र को मृत्यु के पास भेजने का पूर्ण प्रयास भी करता है, क्योंकि वह असुर है, राक्षस है, उसको भक्ति के संस्कार पसंद नहीं, तो प्रहलाद को मारने के भिन्न भिन्न उपक्रम करता है। उसको पहाड़ से गिरवाता है। तो यहाँ प्रहलाद गिरता तो है, पर खास बात यह है कि भूमि इतनी कोमल हो गई कि वह ऐसा लगा कि जैसे वह गद्दे के ऊपर गिरा हो। उसके बाद उसको बिच्छु और सर्प के जगह पर छोड़ देता है। तो जिनके लिए सर्प और बिच्छु भी विष का त्याग कर देते हैं, वो भी जान लेते हैं कि यह महापुरुष है। इसमें जन जन की कल्याण करने की शक्ति है, इसमें ज्ञान है, इसकी वाणी में पवित्रता है, अतः इनके चरणों का विष से हम स्पर्श न करें। अतः त्याग देते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं पर उनका स्पर्श विष नहीं करते, त्याग देते हैं। तो विशेष बात यह है कि जब भक्त होता है परमात्मा का, तो दूसरे भी जान लेते हैं, छोटे छोटे जीव भी, जो विषैले जीव हैं, वो भी जान लेते हैं कि ये भक्त है, इसको हमें हानि नहीं करनी चाहिए। परंतु हिरण्यकश्यप के ये भीतर बात नहीं आती। भक्तराज ऐसे ऐसे भीषण स्थान से गिराया जाता है, पर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसे प्रभु की गोद में डाल दिया गया हो। जब प्रहलाद को गर्म लोहे के खम्भ से बांधा जाता है, तब वह कहता है कि हे पिता, जो तुम यह उपक्रम कर रहे हो, ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं परमात्मा से लिपट रहा हूँ। अतः प्रहलाद परमात्मा का दर्शन ही करता है। अतः जिस स्थान से महानता का दर्शन होता है, उस स्थान की अलौकिकता का तुम भी अपने जीवन में सफल कर लो, तभी आपके जीवन की सार्थकता है। इस शरीर में जितने सुंदर सुंदर स्थान हैं, उन पर आप पहुँच जाओ, बस यही चरम स्थिति है। ऐसा अलौकिक स्थान जहाँ से ईश्वर को देखा जाता, वह भी इसी पंचभौतिक शरीर में ही है। गुलिस्ता में जाकर हर एक गुल को देखा, तेरे ही रंगत तेरी ही बू है, मिली दिल को आँखें जबी मार्फत की, मिली दिल को आँखें जबी मार्फत की, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। या बिल्कुल सम्मुख हो, रूबरू है, परमात्मा हमेशा रूबरू है। इस शरीर में ऐसा स्थान है कि परमात्मा को इस शरीर से आमने सामने से देख सकोगे, जैसे हम आपको देखते हैं वैसे ही परमात्मा को देख सकोगे। ऐसा स्थान इसी शरीर में ही विद्यमान है। भगवान बिना अंतःकरण के ही देखता है, पर तुम तो अंतःकरण व शरीर की सहायता से ही किसी को देखते हो। अतः उसने इसी शरीर में, अंतःकरण में वो स्थान भी दे रखा है जिसके माध्यम से आप देख सकते हो, परमात्मा को देख सकते हो। तो इस जगत को देखने को, परमात्मा की ओर देखने का व भक्ति रस का रसास्वादन करने का व विषयों का अनुभव करने का, अलौकिक रस का पान करने का भी स्थान इसी शरीर में है। यदि इस स्थान से काम न लो तो इसमें भूल किसकी है, किस देवता की भूल है? यह भूल आपकी अपनी है। अतः शरीर अपनी ही भूल से, अर्थात जो साधन आपको मिला है उससे काम न लेने से, यह शरीर अपनी ही भूल से मृत्यु के समान बनकर छोड़कर चला जाता है। क्षण में झटक बन में पटक यह जीव जाता है चला, हे मन मत मूर्ख बन, ममता जगत की छोड़ दे, कोई नहीं तेरा यहाँ नाता, सभी से छोड़ दे कर चिंतवन, पर ब्रह्म का चित्रवत उससे जोड़ दे। यह शरीर का नियम नहीं कि हमेशा साथ देता रहे, क्योंकि हम सभी मृत्यु धर्मा हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं, अतः इस लोक में शरीर को छोड़ना आवश्यक है। यह मरने वाले का लोक है, यहाँ मरने वाले ही रहते हैं, रहने वालों का नहीं है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो इस जगत में आकर के हमेशा बना रहे। इस जगत में जितनी भी चीज़ें हैं वे सब परमात्मा को देखने के नेत्र ही हैं। इन सभी से वह देखता है, वह कहीं से भी बिना नेत्र के देख सकता है या किसी के नेत्रों के माध्यम से भी देख सकता है, पर आपके देखने का माध्यम एक है,
और वह है आपका शरीर। बस इसके बिना आप नहीं देख सकते, अतः आप अल्पज्ञ हैं, वह सर्वज्ञ है। अतः जब शरीर छूट गया वह इससे कुछ न कर सके, आपको हमेशा ऐसा पश्चाताप रहेगा कि ऐसा जीवन भर आप दुख रहेगा कि आप इस जीवन में कुछ कर न सके। यह आपकी अपनी ही भूल है, इसके लिए कोई नियम लिंग का नहीं है, चाहे वह पुरुष का लिंग हो, चाहे स्त्री का लिंग हो या नपुंसक का लिंग हो। यह कोई जरूरी नहीं कि जीव किसी स्त्री के शरीर में रहे, यह कभी पुरुष के शरीर में रहता है पहुंच जाता है, कभी स्त्री के रूप धारण कर लेता है, कभी नपुंसक का शरीर धारण कर लेता है। यह शरीर के चिन्हों के देखकर ज्ञात होता है, पर तीनों के भीतर जो आत्म तत्व है वह न स्त्री है, न पुरुष, न नपुंसक। अतएव सब शरीर के ही आकृति, सब शरीर आके ही आकृति है। सभी को इस शरीर के माध्यम से ईश्वर का या आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, चाहे शरीर कैसा भी मिला हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे नपुंसक शरीर ही क्यों ना हो। इससे आपको परमात्मा का साक्षात करना चाहिए, क्योंकि आत्मा सब में एक सी है, आत्मा एक ही होती है। शरीर के माध्यम से उनका भेद होता है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नपुंसक है। पर आपका जीवन भर का कर्तव्य यही है कि जो शरीर आपको मिला है, जैसा भी मिला है, इसके माध्यम से ईश्वर का, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। ओम शांति।